हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। व्हाट इज कंप्यूटर? कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस थ्रू इज वी कैन डू मैथमेटिकल, मैकेनिकल एंड लॉजिकल प्रोसेस इजीली एंड क्विकली। कंप्यूटर इज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1882। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसके द्वारा हम मैथमेटिकल, मैकेनिकल एंड लॉजिकल प्रोसेस बड़े ही आसानी से और कम समय में कर सकते हैं। कंप्यूटर का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने सन 1882 में किया था। कंप्यूटर इज अ मशीन मेड ऑफ डिवाइसेस दैट एबल यू टू एंटर डेटा एज इनपुट, प्रोसेस इट एज अ सीपीयू, स्टोर इट एज मेमोरी एंड आउटपुट द रिजल्ट। कंप्यूटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसके द्वारा हम अपने डेटा को इनपुट करवा सकते हैं और वो प्रोसेस होगा सीपीयू के अंदर और स्टोर होगा मेमोरी के अंदर, और उसका जो हमें रिजल्ट मिल के आएगा, परिणाम, वो मिलेगा हमें आउटपुट। अब इसको हम एग्जांपल के रूप में देखते हैं। हमारे पास मैंगो है, शुगर है और मिल्क है। ये तीनों चीज़ें हमारी इनपुट है और हमारे पास एक मिक्सर है प्रोसेस करने के लिए। तो जब हम इनपुट को यानी मैंगो, शुगर और मिल्क को मिक्सी में डालेंगे तो वो प्रोसेसिंग होगा, और प्रोसेसिंग होने के बाद जब हमको उसका रिजल्ट मिलेगा एज अ मैंगो शेक के रूप में, वो होगा हमारा आउटपुट। पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। हार्डवेयर, इट मीन्स द फिजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी सीन, टच्ड एंड रिपेयर। हार्डवेयर कंप्यूटर का एक फिजिकल पार्ट है। फिजिकल मीन्स कि जिस पार्ट को हम सिर्फ छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। हार्डवेयर को हम टच भी कर सकते हैं और रिपेयर भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर, इट मीन्स अ लॉजिकल पार्ट ऑफ कंप्यूटर विच कैन बी सीन, रिपेयर बट कैन नॉट बी टच्ड। सॉफ्टवेयर कंप्यूटर का एक ऐसा भाग है जिसे हम सिर्फ समझ सकते हैं और रिपेयर कर सकते हैं, पर हम उसे देख नहीं सकते। हार्डवेयर पार्ट्स, हार्डवेयर के एग्जांपल, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर और मॉनिटर। सॉफ्टवेयर पार्ट्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर। The software through which we can start and operate our computer system is referred to as system computer. System computer के द्वारा हम अपने कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं और चालू कर सकते हैं। In other words, we can also call it an operating software. सिस्टम सॉफ्टवेयर को हम दूसरे शब्दों में ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं विंडोज 95, विंडोज 98, विंडोज XP, विंडोज 7, लिनक्स एंड यूनिक्स। इसके अलावा हम अपने फ़ोन में एंड्रॉयड, ISO भी यूज़ करते हैं। ये सब भी एक प्रकार की ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। Application software. A software through which we can create our database is called as an application software. Application software के द्वारा हम अपने कंप्यूटर में अपने डेटाबेस को बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर MS Office, Tally, HTML, DHTML, Java, DTP, ये सारे सॉफ्टवेयर अपने डेटाबेस को बनाने के लिए काम में आते हैं। जैसे डॉक्यूमेंट हो गए, प्रेजेंटेशन हो गया, शीट्स हो गए। इसके अलावा हम अपने फ़ोन में व्हाट्सएप चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, कीप लर्निंग।